हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य शासन कैसे करता है, राज्य शासन कैसे काम करता है, ऐसे कहेंगे। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ देखेंगे ध्यान से। राज्य शासन काम करता है, राज्य शासन कैसे काम करता है, सबसे पहले देखेंगे कि राज्य शासन जो है कैसे काम करता है, इसको पढ़ेंगे यहाँ से ध्यान से। राज्य शासन कैसे काम करता है, तो पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन तीन स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। ठीक है, अर्थात देखिए स्थानीय शासन होता है, राज्य होता है और केंद्र होता है। जैसे हम कहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब स्थानीय शासन में कौन कौन लोग आते हैं, सवाल ये भी है। स्थानीय शासन का मतलब ये होता है जैसे ग्राम प्रधान हो गया, जिला पंचायत सदस्य हो गया, ये सभी स्थानीय शासन में आते हैं। कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में भी जाना था, जो हमने पिछले वर्ष की बात करते हैं, सिक्स क्लास की। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। ठीक है, स्थानीय शासन के बारे में तो ग्राम पंचायत के बारे में तो हम पहले जान चुके हैं। अब यहाँ क्या जानेंगे कि जो ये राज्य शासन है वो कैसे काम करता है, राज्य अर्थात राज्य सरकार काम कैसे करती है। राज्य शासन का मीन्स क्या है यहाँ, राज्य शासन जो मतलब है यहाँ, इसका मीन्स है राज्य सरकार कैसे काम करती है। राज्य सरकार के कितने अंग होते हैं, जो राज्य सरकार होती है उसके कितने अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं। एक क्या होता है, राज्यपाल होता है, दूसरा मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से केंद्र सरकार के भी तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति और आपका हो गया लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसमें आप ये कह सकते हैं विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, राज्य सरकार में आप ऐसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहा है, इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राजा का शासन किस तरह किया जाता है, लोकतंत्र में राजा का लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है। तो देखिए बच्चों दो बात है इसमें, जैसे लोकतंत्र वर्ड आ रहा, आप सवाल ये भी पैदा होता है कि लोकतंत्र होता क्या है। देखिए दो बातें होती हैं, एक लोकतंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता ही जनता के ऊपर शासन करती है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति शासन और प्रशासन में जा सकता है, एक आम व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है और शासन प्रशासन में भागीदारी ले सकता है, या एक व्यक्ति पढ़ लिख के प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। ठीक है, अब एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है, उसमें क्या होता है, वंशानुगत शासन चलता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। हमारे देश में हालांकि ये वंशानुगत शासन भी रहा है, राजतंत्र भी रहा है। आप मुगल साम्राज्य, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक थे, मान लीजिए अकबर ले लीजिए या बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये सब क्या थे, ये वंशानुगत शासन था। मतलब यहाँ तो ये राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो उसको हम राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो भारत में राजतंत्र भी रहा है, किंतु आज के अगर आज की स्थिति देखें भारत की, तो भारत में राजतंत्र नहीं है बल्कि प्रजातंत्र है। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, एमपी एमएलए बन सकता है। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे, इनके बारे में बताया जाता है कि चाय की दुकान थी इनकी कहीं, तो आज ये प्रधानमंत्री बन गए। क्यों बने, क्योंकि हमारे देश में क्या है, प्रजातंत्र है, नहीं कि राजतंत्र है। अब देखिए विधानसभा सदस्यों और मंत्रिमंडलों की क्या भूमिका है, अब ये देखेंगे। जो विधानसभा सदस्य होते हैं राज्य सरकार में, विधानसभा सदस्य या मंत्रिमंडल की क्या भूमिका होती है, अर्थात विधानसभा के सदस्य क्या काम करते हैं। ठीक है, और एक बात और बताना चाहूँगा बच्चों में इसके बारे में, देखिए देश को जो है दो लोग चलाते हैं, एक शासक होता है, एक प्रशासक होता है। ठीक है, अगर आप छोटे स्तर की बात करते हैं तो देखिए जो प्रधान होता है, ग्राम प्रधान, वो शासक माना जाता है, उसके इक्विवेलेंट जो वीडियो होता है प्रशासक में आ गया। ठीक, वैसे डीएम हो गया है, एमएलए हो गया, उसके इक्विवेलेंट डीएम क्या है, प्रशासनिक अधिकारी, एमएलए क्या है, शासक है, क्योंकि जनता चुनाव करती है। तो शासक प्रशासक में अंतर क्या होता है, जिसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, शासक बोलते हैं, अर्थात शासक जो है इलेक्ट होता है। इलेक्ट का मीन्स इलेक्ट, शासक क्या होता है, इलेक्ट होता है, ELECT। इलेक्ट का मतलब इलेक्शन द्वारा चुना जाता है, जबकि प्रशासन सेलेक्ट होता है, वो योग्यता के आधार पर जाता है। तो ये सारी बातें हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो देखिए अब ये कह रहा है कि मंत्री की क्या भूमिका होती है, विधानसभा के सदस्य की क्या भूमिका होती है राज्य सरकार में, ये इसमें जानेंगे। लोक शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं। ठीक है, लोक शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं, हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे
जैसे मान लीजिए कहीं हॉस्पिटल बनवाना है, इसका उदाहरण इसे भी समझ सकते हैं, हॉस्पिटल बनवाना है तो कहाँ MPML के पास जाएंगे, तभी तो सरकार तक बात पहुँचेगी, सीधा सा मतलब यहाँ ये कहना चाहता है। अब ये देख लीजिए यहाँ, इसको पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये क्या लिखा, विधायक है, ठीक है। विधायक कौन होता है, सबसे पहले हम जानेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है भैया कई बार, IMP है, इंपॉर्टेंट है। तो विधायक कौन होता है, तो देखिए उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ऊपर जो है पातालपुरम की कुछ घटनाएं, ये वाली जो घटनाएं देखिए, ठीक है, तो ये सारी पातालपुरम की घटनाएं लिखी है इसमें। आप शायद जिलाधिकारी, चिकित्सक, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आपने अपने क्षेत्र के विधायक यानी MLA से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि किस पार्टी के MLA हैं? ठीक है, मान लीजिए जैसे आपके क्षेत्र के यहाँ आदेश चौहान विधायक हैं, तो क्या आपको पता है किस पार्टी के हैं, उसका चुनाव कैसे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, या कोई भी समस्या हम कैसे लेकर जाते हैं विधायक के पास, ये सारी बातें हैं। अब देखिए, विधानसभा के सदस्य को विधायक या MLA कहा जाता है, ठीक है। विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं, MLA कहते हैं या विधायक कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA का मतलब क्या है, M फॉर मेंबर, L फॉर लेजिस्लेटिव और A फॉर असेंबली, इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए पातालपुरम में क्या हो रहा है, यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है, आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है, और आपके अनुसार किसे कार्य यह करना चाहिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अब देखिए आगे, अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए। आम सभा, ठीक है, भारत के राज्य निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल, इन पर चर्चा करनी। तो देखिए इस पर सबसे पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं आम सभा, आम सभा क्या होती है, जो आम जनता द्वारा सभा इकट्ठी की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, आम सभा कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आम सभा कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, भारत के राज्य, भारत कितने राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं। निर्वाचित क्षेत्र जिस क्षेत्र में निर्वाचन जैसे मान लीजिए MLA हैं, तो उसका एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। बहुमत का मतलब सबसे ज़्यादा वोट जिसको प्राप्त होती है, सत्तारूढ़ जिसकी सत्ता होती है, विरोधी दल विपक्ष पार्टी, विरोधी दल को क्या कहते हैं, विपक्ष पार्टी कहते हैं। अब क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में इनके उदाहरण दे सकते हैं, बहुमत, जैसे बहुमत किसका है, बीजेपी का है, यहाँ अगर UK की बात करते हैं आप, ठीक है, तो सत्तारूढ़ दल भी बीजेपी हो गया, विरोधी दल कौन है, कांग्रेस है, विपक्ष के नेता जिसको आप कहते हैं। अब यहाँ देखिए MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, MLA का चुनाव कौन करता है, यहाँ देखिए MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, अर्थात डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा MLA का चुनाव होता है। अब दूसरा हम बात करते हैं यहाँ, तो देखिए MLA का चुनाव कैसे किया जाता है, जनता द्वारा किया जाता है। तो थोड़ा ध्यान देंगे इसमें आप, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें। MLA का चुनाव कौन करता है बच्चों, जनता द्वारा MLA का चुनाव किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं, फिर जो विधायक का चुनाव होता है वो कहाँ बैठता जा करके, विधानसभा में, ठीक है, स्टेट में होती है जो कि, और सरकार बनाते हैं, और यही लोग MLA क्या होता है, सरकार बनाते हैं, अर्थात वहाँ क्या होता है, जो बहुमत दल का नेता होता है वही CM बनता है। अर्थात मान लीजिए जितनी पार्टी के लोग हैं, BJP के, कांग्रेस के, या बसपा के, और जितनी भी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टी हैं, सभी के जो MLA जीत के जाते हैं, फिर जिस पार्टी के पास भी ज़्यादा MLA हो जाते हैं, तो वो बहुमत किसके सामने समक्ष प्रस्तुत करते हैं, राज्यपाल के सामने, ठीक है। तो राज्यपाल के सामने सभी पार्टी के जो सदस्य हैं वो बहुमत साबित करते हैं, जिसके पास भी ज़्यादा MLA हो जाते हैं उसी पार्टी में से किसी व्यक्ति को CM बना दिया जाता है। तो ये सरकार बनने का प्रोसेस हो गया कि कैसे सरकार बनती है।
अब देखिए, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विधान विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर ये विधायक क्या करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए, ये सवाल ये है, ये जो प्रतिनिधित्व है इसका मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं इसका, एमएलए को जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि का मतलब जनता को रास्ता दिखाने वाला या जनता की समस्याओं का समाधान करने वाला कहते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। अब देखिए, नीचे एक उदाहरण और दिया, क्या लिखा, भारतीय हर राज्य में एक विधानसभा है, हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्र में बटा होता है, विधानसभा होती है कई निर्वाचन क्षेत्र में बटा होता है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 61 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है, ठीक है, कितने भी निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है, 61 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है, हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता के प्रतिनिधि चुनाव करती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है, ठीक है। इसी को हम सीट भी कहते हैं, जैसे यूपी में मान लीजिए कि कितनी है, 403 सीटें हैं, ये तो 403 मतलब निर्वाचित क्षेत्र होगी एक तरह से, ऐसे कह सकते हैं आप। दूसरा क्या है कि आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, अब सवाल यह है, जो विधायक ही अर्थात विधायक ही एक सीएम भी बनता है, वो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री या उपमंत्री भी बनते हैं, ये विधायक ही बनते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में निर्वाचित क्षेत्र से जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं, ठीक है, अर्थात मान लीजिए आधे से अधिक का मतलब ये हो गया, किसी राज्य में मान लीजिए कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं मान लीजिए यूपी में, तो 403 में का हाफ लगा लीजिए, 202 मान लीजिए, ठीक है, तो 202 सीट जिसके पास हो जाएगी तो उसी को बहुमत माना जाता है, बहुमत दल का नेता माना जाता है, ऐसे कहना चाहता है। अब देखिए, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष माना जाता है, जो अन्य विधायक जो अन्य पार्टी के आते हैं उनके वे विधायक कम होते हैं, इसलिए उनको विपक्ष का नेता कहते हैं या विरोधी पक्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों की के 68 निर्वाचित क्षेत्र है, इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैंने यूपी का उदाहरण दिया, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 68 हैं, अर्थात 68 विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। अब ये दिया देखो, 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में, तो राजनीतिक दल, ये राजनीतिक दल हो गए, देखिए ये राजनीतिक दल है, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया है, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया है, निर्दलीय से भी, ये सारे लोगों ने इलेक्शन लड़ा, तो भारतीय जनता के पार्टी के पास जो है 68 में 44 सीटें आई हैं, तो इसका मतलब इसकी पार्टी बन जाएगी क्योंकि सब ज़्यादा इसी के पास है, ये सारी बातें हैं। अब देखिए, विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017, ये सारी बात जो मैंने बताई वही है बस, जिसके पास ज़्यादा सीट होगी वही सीएम बन जाएगा। अब विधानसभा में एक बहस, अब विधानसभा में एक बहस की बात करते हैं, तो आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की, ठीक है। विधानसभा एक अत्यंत अत्यंत भव्य एवं प्रभावशाली भवन में स्थित थी, बच्चे बहुत उत्सुक थे, सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया, ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां वे नीचे के विशाल हाल को देख सकते थे, हाल में डेस्कों के अनेक कतारें थी, ये कुल मिलाकर विधानसभा का वर्णन किया गया है, कहीं भी देख सकते हैं आप स्टेट में जाकर के, ठीक है। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी, ठीक है, जब विधानसभा होती है वो क्या है, कोई भी समस्या होती है उस पर बहस करती है, वही इसमें सारा निर्णय किया गया है, ठीक है। एक विधायक बोलता है, फिर दूसरा विधायक बोलता है, किस तरह बहस होती है सारा, फिर तीसरा विधायक बोलता है, चौथा विधायक बोलता है कोई भी समस्या के लिए, फिर छठा विधायक बोलता है, इसी तरह देख सकते हैं, जैसे कि वही है क्लास में डिस्कस करते हैं वैसे ही वहाँ विधानसभा में डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्लास में टीचर के सामने करते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही एमएलए जो है सीएम के सामने डिस्कस करते हैं किसी भी समस्या पे, फिर उसका समाधान निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें लिखी इसमें। अब देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ अब
अब ये कह रहा है कि यहाँ, अब फिर मुख्यमंत्री धनराशि का वादा करता है, जैसे कोई समस्या है, सड़क बनानी है, कोई भी हॉस्पिटल बनाना, कोई भी काम करना है, तो फिर मुख्यमंत्री धन का वादा करता है कि इतना धन मैं इसमें दे दूंगा। एमएलए ने समस्या उठाई, एमएलए द्वारा ही समस्या उठाई जाती है, कुल मिलाकर बात यह है, फिर ये वो कर देता है पैसों का सीएम। अब यहाँ देख लीजिए जनता की मीटिंग दिखाई गई है। अब यहाँ देखो जैसे किस विभाग में काम करते हैं ये एमएलए, शिक्षा के विभाग में, लोक निर्माण विभाग में, कृषि विभाग में, सब ये सरकार के काम है। अब ये देखिए ये सब चित्र दिखाए गए हैं इसमें शिक्षा के संबंधी। अब देखिए आगे हैं, बस इतना ही है इसमें चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।